इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ इंडक्शन जनरेटर। इंडक्शन जनरेटर एक टाइप की मशीन होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है इंडक्शन जनरेटर को ए सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं इस टाइप के जनरेटर में इसके रोटेटिंग स्पीड को इंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा स्पीड से रोटेट कराते हैं तो जो इंडक्शन मशीन है वो एज अ जनरेटर बिहेव करने लगता है इंडक्शन जनरेटर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर नहीं होती है इसके स्टेटर में एक्सटर्नल पोलीफेज सोर्स प्रोवाइड करना पड़ता है टू प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जनरेटर कंसिस्ट विथ अस्टेटर रोटर एंड साफ्ट इस्टेटर स्टेशनरी पार्ट होता है जहाँ पर फील्ड वाइंडिंग प्लेस्ड रहता है एंड रोटर रोटेटिंग पार्ट होता है जिसके स्लोट्स में आर्मेचर वाइंडिंग प्लेस्ड रहता है स्टेटर एंड रोटर कोर को बनाने के लिए हाई परमीएबिलिटी मटेरियल का यूज करते हैं टू गेट लो इलेक्टेंस पाथ एंड लेमिनेटेड रहता है टू रिड्यूस एडी करेंट लॉस मतलब जो कोर है वो डिफरेंट थिन सीट का अरेंजमेंट होता है रोटर साफ्ट के साथ प्राइम मूवर कपल्ड रहता है प्राइम मूवर एक टाइप का डिवाइस होता है लाइक आईसी इंजन जिसके हेल्प से रोटर को रोटेट कराते हैं स्टार्टिंग में इंडक्शन जनरेटर जो है वो एज अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर बिहेव करता है इसके स्टेटर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग में थ्री फेज एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं जिससे रोटर एंड स्टेटर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करती है रोटेटिंग फील्ड जब रोटर कंडक्टर से लिंक होती है देन रोटेटिंग फील्ड एंड रोटर फील्ड के बीच आपस में इंट्रैक्शन होता है जिससे रोटर के ऊपर टेंजेंशियली टॉर्क एक्ट होता है एंड जो रोटर है वो रोटेट करने लगता है जब रोटर रोटेट करने लगता है तो उसके स्पीड को सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं बाय यूजिंग एक्सटर्नल प्राइम मूवर एंड रोटर के स्पीड को सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा कर देते हैं मतलब गैप में जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है उसके स्पीड से ज़्यादा स्पीड हो जाता है रोटर का मतलब एन आर इज ग्रेटर देन एन एस कर देते हैं इस कंडीशन में स्लिप निगेटिव हो जाती है दैट इज़ एस इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर बाई एन एस जो स्लिप है वो निगेटिव हो जाती है एंड स्लिप के निगेटिव होने से टॉर्क भी निगेटिव हो जाता है दैट इज़ टाउ डी इज इक्वल टू के एस ई टू नोट स्क्वायर बाय आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू नोट स्क्वायर जो टॉर्क है वो भी निगेटिव में चला जाता है टॉर्क निगेटिव होने का मतलब है कि जो रोटर है वो टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा बल्कि रोटर टोर्क रिसीव करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल प्राइम ओवर सो so, इस कंडीशन में इंडक्शन मशीन जो है वो इंडक्शन जनरेटर की तरह बिहेव करने लगता है जनरेटर एक्शन में बस बार को एक्टिव पावर पी डिलीवर करता है एंड रिएक्टिव पावर क्यू रिसीव करता है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इट्स रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब रिएक्टिव पावर क्यू के कारण ही रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंटिन्यू मेंटेन रहती है इसको सेल्फ एक्साइटेड इंडक्शन जेनरेटर बनाने के लिए इसके सर्किट में मॉडिफिकेशन करते हैं इसके थ्री फेज टर्मिनल्स के साथ कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर बैंक जो है वो रिएक्टिव पावर इंडक्शन जनरेटर को डिलीवर करता है जिससे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंटिन्यू मेंटेन रहती है एंड जो मशीन है वो जनरेटर एक्शन में है जिससे एक्टिव पावर लोड को सप्लाई होती है इस टाइप के इंडक्शन जनरेटर का यूज़ इंडिपेंडेंट लोड को सप्लाई देने के लिए कर सकते हैं यहाँ पर जो पी है वो एक्टिव पावर है इसका यूनिट वाट होता है एंड इसका कंपोनेंट वी आई कोस के फॉर्मेट में होता है एंड जो क्यू है वो रिएक्टिव पावर है जिसका यूनिट भी ए आर होता है दैट इज़ वोल्टेज एम्पियर रिएक्टिव इसका जो कंपोनेंट है वी आई साइन फाई के फॉर्म में होता है यहाँ पर इंडक्शन जनरेटर का टोर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है मोटर का स्टार्टिंग टोर्क इस पॉइंट पर होगा एंड मैक्सिमम टोर्क इस पॉइंट पर मिलता पर है एंड इस पॉइंट पर सिंक्रोनस स्पीड होती है एंड इस पॉइंट के बाद टोर्क निगेटिव रीजन में चला जाता है इंडक्शन जनरेटर में स्लिप निगेटिव में जाता है सो द लोड आर मैकेनिकल इज ऑल्सो निगेटिव इट सप्लाई द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द सप्लाई मीन्स टू विच इट रिमेन कनेक्टेड जिससे कनेक्ट रहता है उसी को सप्लाई देने लगता है उसी को सप्लाई प्रोवाइड करने लगता है द आउटपुट ऑफ इंडक्शन जनरेटर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द निगेटिव स्लीप द स्पीड ऑफ रोटर और हाउ फास्ट मोटर रोटेट्स एवो द सिंक्रोनस स्पीड इन द सेम डायरेक्शन मतलब जो रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड से कितना ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा एंड जब मोटर इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करता है तो उस टाइम इसके रोटेशन का क्या स्पीड रहता है इसके रोटर का कितना स्पीड रहता है इस फैक्टर पर इसका टोर का स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड रहता है देर आर मैनी एडवांटेज ऑफ इंडक्सन जनरेटर इंडक्सन जनरेटर जो होती है उसका कंस्ट्रक्शन रोबस्ट होता है एंड लेस मेंटेनेंस का रिक्वायरमेंट होता है इंडक्शन जनरेटर लेस एक्सपेंसिव होता है मार्केट में इसका जो प्राइस है वो सिंक्रोनस जनरेटर से कम रहता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर जो होती है उसको एज अ इंडक्शन जनरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं द साइज पर किलो वॉट आउटपुट पावर ऑफ एन इंडक्शन जनरेटर इज रिलेटिवली स्मॉल इंडक्शन जनरेटर को लेस एक्सटर्नल इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट होता है जब मशीन के टर्मिनल में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होकर होता है उस टाइम इंडक्शन जनरेटर सेल्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सो इट इज़ ऑल्सो एन एडवांटेज इंडक्शन मोटर्स के बारे में पढ़ते हैं तो एक टर्म आता है इलेक्ट्रिकल लॉसेज सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल लॉस लाइक एडी करेंट लॉस एक्चुअली में होता क्या है उसका बेसिक हम लोग देखते हैं तो जब कभी भी एसी करंट किसी कंडक्टर को कट करती है तो उस कंडक्टर में सेल्फ ई एम एफ इंड्यूस होता है एंड उस ई एम एफ के कारण उसमें एक करंट सर्कुलेट करती है जिसको एडी करंट बोलते हैं जब सर्किट में उस करंट की कोई यूजफुल वर्क नहीं होती है तो जो एडी करंट है वो हीट के फॉर्म में वेस्ट होती है और कन्वर्ट होती है जिसको हम लोग एज अ लॉस कंसीडर करते हैं एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए रोटर एंड स्टेटर कोर में लेमिनेशन प्रोवाइड करते हैं एडी करंट लॉस को पीई से डिनोट करते हैं एंड पी ई इज इक्वल टू के ई बी स्क्वायर एम एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी वेयर पी इज द एडिक्रेंट लॉस बी एम इज द मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई टी इज द थिकनेस ऑफ लेमिनेशन भी इज द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एंड के इज द एडीकरेंट कॉन्स्टेंट तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को अगर आप इजी वे में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें